हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक हो सारे? बढ़िया एकदम, गुड। कैसे पिछली क्लास कैसी रही? बढ़िया रही। कुछ? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? ओके रिपोर्ट है, चलो ठीक है। फिर तो मैं आप लोगों से पूछूं कुछ? चलो ठीक है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? शाबाश, देखा, ये है लड़कियों का मामला। उस दिन हुड़दंगबाजी में लड़के आ गए थे, आज ये जैसे पूछा है तो लड़कियों से पहले जवाब आया। यहाँ से लड़कों का भी आया खैर, लेकिन मेजोरिटी में नहीं आया। बस इसी चीज़ में पीछे हो, बाकी चीज़ों में आगे हो। देखो सर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक पॉइंट इवन सीएस फाउंडेशन में से लिया गया है, लेकिन ये आपके एग्जाम में आ जाता है तो फिर एक माइनर सी मिस्टेक है जो हो सकती है आपसे, ठीक है? तो इसको कर रहे हैं हम। और ये सीएस और सीए के जो एंट्रेंस के क्वेश्चंस हैं ये मिक्स चलते हैं, यहाँ वाले वहाँ आते रहते हैं, वहाँ वाले यहाँ आते रहते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि ये पराया धन है, ये अपना ही है, इसको स्वीकार करो। हाँ जी, मिस्टर के सेंट 500 आर्टिकल्स टू हिज एजेंट जे एट ए इनवाइस प्राइस ऑफ ₹25 पर आर्टिकल एंड पेड फ्रेट एंड कार्टेज ₹460। ये मिस्टर के है, उसने 500 आर्टिकल 25 के हिसाब से भेजे हैं जी। अच्छा, इनवाइस प्राइस का मतलब यहां पर है बिलिंग, इतने की बिलिंग बनाई। किसमें बनाते हैं पता है आपको? परफॉर्मा, परफॉर्मा इनवाइस, सीएस। कहता है भाई जो बिल काटा ना हमने वो ₹25 के हिसाब से काटा। लेकिन ध्यान रखना, आज हम क्लास जो एंड की जो क्लासेज है उसके अंदर हम इनवाइस प्राइस और डिस्कस करेंगे। वहां पर पता है क्या होता है? वहां पर ये होता है कि कॉस्ट है 100, कॉस्ट है 100 और हम इसमें लोडिंग डालेंगे 25, तो इनवाइस प्राइस हो जाएगा 125। मतलब जितना भी माल भेजा जाएगा ना कंसाइनी के पास, उसको झूठ बोलकर भेजा जाएगा। ₹100 के सामान को ₹125 का बताया जाएगा ताकि वो 150 में बेचने की कोशिश करे, और 150 में ना बेचे, मरा पड़ता 125 में तो बेचे। तो इस तरह से मैन्युपुलेशन आएगा। वहां पर भी इसको हम क्या बोलेंगे? इनवाइस प्राइस। लेकिन यहां पर ये वो इनवाइस प्राइस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना कॉस्ट और लोडिंग को अलग अलग बता नहीं रखा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है के सेंट 500 आर्टिकल टू हिज एजेंट जे एट इनवाइस प्राइस 25 पर आर्टिकल एंड पेड फ्रेट एंड कार्टेज दिस वन जे सोल्ड। देखो इसमें बता नहीं रखा ना कि कॉस्ट कितनी और इनवाइस प्राइस कितना। इसका मतलब कॉस्ट और इनवाइस प्राइस क्या है? बिल्कुल इक्वल है। यहां पर इनवाइस प्राइस का मतलब है परफॉर्मा प्राइस, कि परफॉर्मा इनवाइस के अंदर जो लिखा हमने, ठीक है। जे सोल्ड 300 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 30 पर आर्टिकल एंड सेंट ऑन अकाउंट सेल्स डिडक्टिंग 200 फॉर स्टोरेज चार्जेस एंड 300 फॉर सेलिंग। ये कौन से हैं? इनडायरेक्ट। हाँ जी, और ये कौन से है? डायरेक्ट। ये है इनडायरेक्ट। ही चार्ज 10% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड्स एंड रिमिटेड द अमाउंट ड्यू टू के, और के को जो पैसे भेजने थे वो भेज दिए उसने। जे ऑल्सो इन्फॉर्म्ड के दैट 50 आर्टिकल्स हैव बीन डैमेज्ड इन ट्रांजिट। लो जी, आगे आपने वाला कहते हैं 50 आर्टिकल्स हैड बीन डैमेज्ड इन ट्रांजिट। अब मुझे बताइए कि लॉस जो है वो रस्ते में हुआ है या गोडाउन में हुआ है? रस्ते में, ठीक है। चलो जी, एंड दे कुड फैच 70% ऑफ देयर कॉस्ट। फैच का मतलब हो गया यहां पर सेल। अब यहां पर क्लेम नहीं मिला, यहां पर उन्होंने वो जला हुआ माल भी बेच दिया। कई बार आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार कहता है जी देखो ये हमारा फ्रेश स्टॉक है, ये हमारा सेकंड हैंड स्टॉक है, ये हमारा थोड़ा डैमेज्ड स्टॉक है, उसे हम थोड़ा और सस्ता बेच देंगे, कि उसकी कीमत ₹100 है, हम आपको ₹70 में दे देंगे। तो ठीक है, डैमेज हो गया, 50 आर्टिकल्स हैड बीन डैमेज्ड इन ट्रांजिट। कार लेने जाते हो, नई कार ₹10 लाख की है, लेकिन उतारते वक्त उसके स्क्रैच वगैरह लग गए, कुछ डिफेक्ट हो गया। वेंडर कहता है जी देखो ₹1.5 लाख कम कर देंगे, 1.5 कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी कहता है कोई बात नहीं, स्क्रैच तो मैं करवा लूंगा यार, पेंट करवा लूंगा, कोई खास बात नहीं, ₹1.5 लाख बच रहे हैं तो ₹8.5 लाख में ले लेगा। तो ये इस तरह का मामला है कुछ, ठीक है ना।
रिकॉर्ड द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन इन केस लेजर शोविंग द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंसाइनर. किसकी लेजर में? के कौन है? कंसाइनर. कंसाइनर लेजर में शोविंग द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंसाइनर. बताओ जी कंसाइनर ने कितना प्रॉफिट कमाया. फटाफट करते हैं इसको. चलिए ये सॉल्यूशन बुक्स ऑफ के स्पीड बनाकर रखेंगे आप लोग. पर्टिकुलर रुपीज टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना? 500 आर्टिकल्स थे क्या? इंटू 25 कितना हो गया? 12,500 टू कैश डायरेक्ट एक्सपेंस. यस नहीं यार, डायरेक्ट एक्सपेंस 460 है दोस्त. और उसने माल, उसने 300 आर्टिकल बेच दिए बाय, क्या नाम है उसका? जे. हाँ, जे ने 300 आर्टिकल सेल कर दिए. ये है सेल. नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स किस हिसाब से बेचे? अभी मैं इस पे बात नहीं करता, रुको एक बार. कितना है जी? थ्री हंड्रेड इंटू रुपीज थर्टी. मैं आपको ना डैमेज्ड गुड्स का भी बताऊंगा, वो भी तो बेचा ही है ना उसने, तो उस पर कमीशन भी बनता है. लेकिन अब नॉर्मल लॉस हुआ है, अब नॉर्मल लॉस तो हुआ ही है ना, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करूंगा आपको. अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए, जो माल उसने बेचा उस पर कमीशन, हाँ, ऑन नॉर्मल सेल कितना है? ₹9,000 का. यस 10% कितना? 900. बाय अबनॉर्मल लॉस. See working लिखा आप सबने ना? हाँ जी, वर्किंग नोट्स. कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक, यही तो निकालते हैं अपन. क्यों भाई? क्वांटिटी, क्वांटिटी किस फॉर्म में है यहाँ? आर्टिकल्स और कॉस्ट और पर्टिकुलर. टेबल याद है ना? सुनाओ. गुड्स सेंट कितने आर्टिकल्स? 500. तो ये कौन सी टेबल है भाई? मैंने कहा टेबल सुनाओ. हाँ, तो फिर ये पूछना चाहिए था, तुम तो शुरू हो गए. गुड सेंट 500 आर्टिकल्स और इनटू 12,500 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. किसने पे किए? के ने. कितने पे किए? 460.
तो 500 में 12,960 डन। लेस अबनॉर्मल लॉस, कितने आर्टिकल्स इन ट्रांजिट है ना, कितने 50। हाँ, और ये वैल्यू कैसे निकालोगे, 12,960 है 500 की, तो 50 की कितनी होगी, 12,96। जी कितना आया था, 450 और 11,664 और नॉर्मल गुड्स एक्सक्लूडिंग डैमेज्ड, बस कहने तो उसने एक्सपेंसेस तो किए भी नहीं अभी, इसको छोड़ देते हैं एक बार। लो जी, अब मुझे ये बताना इसमें से सेल कितनी हुई, नॉर्मल जो है कितने कितने यूनिट सेल हो गई, 300। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया, क्लोजिंग स्टॉक रह गया 150। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 11,664 डिवाइड बाय 450, कितना 450 ना इंटू 150, 3,888। लो जी, पूछना तो नहीं ना अभी, इसमें आगे बढ़ें। चलिए अब मुझे ये बताइए, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी आई थी, 1,296। ये मैंने यहाँ से निकाल दिया इसको, और क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, यस सी वर्किंग नोट, 3,888 ना। लो जी, सर हाँ जी, सर इस क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के टाइम पे हमने वो डैमेज्ड गुड्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्यों नहीं किया, ये रहा उसकी वैल्यू अलग लगाई है, डैमेज्ड गुड्स की वैल्यू अलग लगाई है और नॉन डैमेज्ड गुड गुड्स की वैल्यू अलग लगाई है। ये तो बनता होगा कि जब स्टॉक पड़ा होगा डाउन में तो डैमेज्ड गुड्स कितने का वो अलग से दिखाई दे और नॉन डैमेज्ड अलग से दिखाई दे, उन दोनों की वैल्यू लगा ली हमने, भेदभाव कहाँ किया है, जिसकी जैसी क्वालिटी है उस हिसाब से वैल्यूएशन कर ली। ये बताओ आज के दिन ये लॉस नहीं बिकता है, ये डैमेज स्टॉक नहीं बिकता है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक में शो करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे बस, तो दिखाया ना आपकी, आपको बैलेंस शीट में सिर्फ ये सिखाया गया कि क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो। स्टॉक की दुनिया भर की वेराइटी होती है, स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन ट्रांजिट, आप एक क्वेश्चन में करके आए हैं, 37 क्वेश्चन है, कौन सा है, इन ट्रांजिट, उसने लिखा है कि 50 आर्टिकल आर स्टिल इन ट्रांजिट, तो इन हैंड होता है, इन ट्रांजिट होता है, विद कंसाइनी होता है, विद कंसाइनी नॉर्मल होता है, डैमेज्ड होता है, विद हायर परचेज कस्टमर होता है, दुनिया भर के गुड्स होते हैं, विद ब्रांच होता है, ठीक है ना, बिजनेस के अंदर जो स्टॉक होता है वो दुनिया भर के होते हैं, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस वाला होता है विद कस्टमर, स्टिल लाइंग अनसोल्ड, उन्होंने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दी, वो भी होता है, ठीक है। हाँ जी बोलिए, 1,296 है, हाँ ये 30% का ही हुआ है, मतलब 70, ये तो टोटल है अबनॉर्मल लॉस, हाँ तो 30% का नहीं लेंगे इसमें अबनॉर्मल लॉस, 30% क्या चीज थी, मतलब 70% तो, अच्छा उसकी बात करते हैं, सेल हो गया इसका मतलब ये क्लेम, जस्ट लाइक क्लेम, आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा है +1 के अंदर, उसमें वो 7 ट्रक खरीदता है 50,000 रुपए के, तो 3,500,000 रुपए के ट्रक थे, एक एक्सीडेंट हो गया
और वो सेल कर दिया आपने, जो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है या सेल होती है उसकी ट्रीटमेंट सेम ही होती है। तो यहाँ पर क्या है, सेल हुआ है तो दिखाऊंगा, तो अबनॉर्मल लॉस में ना दोस्त, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाकर बाय कैश दिखा दूंगा कि सेल हो गया। जैसे कंपनी से क्लेम मिलता है वो बाय कैश दिखाते हो बाय बैंक, तो सेल होगा तो बाय कैश दिखा दूंगा, ठीक है ना, वो वहां दिखाऊंगा मैं। यहां मेरा काम क्या है, मैं इसको बाहर निकालूं ताकि ये कंसाइनमेंट के लॉस में काउंट ना हो जाए कि यार ये किस तरह का धंधा शुरू कर लिया, इतना इतना लॉस हो रहा है। ये नॉर्मल थोड़ी है, कंसाइनमेंट अकाउंट सिर्फ नॉर्मल लॉसेज के लिए, नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल इनकम और नॉर्मल लॉसेज और नॉर्मल गेन्स, ठीक है। चलिए, हाँ जी, मुझे बता दीजिए आप कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और कुछ तो आना भी नहीं इसमें। नहीं, एक मिनट, इसने वो एक्सपेंसेस भी तो पे किए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिखाए ना, 2J लिखा ना इसने, सेलिंग, अरे कितने थे ये रहे, ये देखो 300, ये रहे डिडक्टिंग 200 फॉर स्टोरेज चार्जेस एंड 300 फॉर सेलिंग एक्सपेंस, तो 500 हो गए टोटल सेलिंग एंड स्टोरेज। हाँ, 200 एक थे 200 और एक थे 300, है ना, 500 और लॉस आ गया भाई बाय पी एंड एल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर लॉस 176। ये अब नॉर्मल लॉस की दुआ लग, बद्दुआ लग गई इसको, भेज लो बाहर, मेरे को लॉस तो फिर भी खाओगे सर। हाँ जी सर जो ये कह रहे हैं कि 70% जो माल डैमेज हुआ था वो मतलब बिक गया, 70% डैमेज हुआ था, जो माल डैमेज हुआ था उसका 70% बिक गया, मतलब ये कह रही है। हाँ, हाँ। तो सर उसको हम इसमें नहीं दिखाएंगे कंसाइनमेंट में। बस बेटा, जुलाई में तुम्हारे जैसे ही थे, यही दिमाग चला के रह गए। इस बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या कि मैं कह रहा हूँ अब नॉर्मल लॉस को यहाँ से बाहर निकालो, ये नुकसान कर देगा। वो तो निकाल दिया, तो निकाल के फिर सेल कहाँ से करोगे, माल तो है नहीं तुम्हारे पास। सर इसमें तो वो दूसरी बात कह रहे हैं ना। कौन सी बात कह रहे हैं, कि जो माल डैमेज हुआ था वो ना, भी, फिर अब वो बात याद करो, मैंने कहा प्लस वन में जब ट्रक एक्सीडेंट हो गया था तो सेल का भी ट्रीटमेंट वही किया था और क्लेम का भी ट्रीटमेंट वही किया था आपने। तुम क्लेम और उसमें सेल में फर्क क्यों करते हो, सेम ही बात है, कबाड़ तुमने बेच दिया या कबाड़ इंश्योरेंस कंपनी ले गई और आपको क्लेम दे दिया, ठीक है। तो सर इसको वहां से पीएनएल से कर देंगे। हाँ जी, बात तो वही पड़ेगी, बात तो जुलाई में भी वही पड़ी है लेकिन महंगी पड़ी है, ये थोड़ा जल्दी ठीक कर लो इस चीज को जितना जल्दी हो सके। समझ आ गई होगी, अब तो प्रैक्टिकली बात समझ आ गई होगी, ये ऐसा ही, जो शरणपत्ति करेगा वो फंसेगा। हाँ जी सर, इस पे कमीशन फिर? शाबाश, बहुत अच्छे, ये अच्छा पॉइंट है, कमीशन भी तो मिलेगा उसको, माल तो बेचा ही है तो कमीशन भी होगा, इसीलिए मैंने अलग से कर लिया। मैं बताता हूँ सारी बात तुम्हें, और देखो मैंने थोड़ी थोड़ी जगह भी छुड़वाई है यहाँ। हाँ जी, मुझे टोटल बताइए आप कितना हुआ, 14,000 लीजिए। अब सुने जरा ध्यान से, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, अच्छा मैं शॉर्ट में कुछ भी लिखता हूँ वो आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा ही लिखना है भाई, एग्जामिनर पता नहीं किस बात का बुरा मान जाए, दिल पे ले जाए। टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1296 और बाय, हाँ जी इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि दे कुड फैच ओनली 70%
96 का 70% बताइए मुझे, 907.2, कोई बात नहीं, लास्ट स्टेज पे है ना तो पॉइंट्स को छोड़ सकते हैं हम, बीच में कहीं हो तो फिर सारे पॉइंट्स घसीटने आपने, अब खत्म ही कर देंगे इसको हम। लो जी 907, और बोलिए मुझे क्या लिखना है यहां पर, बाय दोस्त के की बुक्स है कंसाइनर की, कंसाइनर क्या लिखेगा, बाय कैश, बेचा किसने, जे ने, यस बाय जे, के की बुक्स में जे जब माल बेचता है तो एंट्री क्या करते हैं, जे टू कंसाइनमेंट, जे टू कंसाइनमेंट, और यहां पर अब नॉर्मल लॉस बेचा है तो जे टू अब नॉर्मल लॉस। ये सर 907 इसलिए दिखाई कि उसने सेल कर दिया 70, हाँ इधर से बाहर, हाँ लॉस कम हो गया ना, यहाँ डेबिट में लॉस इंक्रीज होता है और यहाँ क्रेडिट में लॉस डिक्रीज होता है, तो जो सेल हो गया उसने लॉस को डिक्रीज कर दिया। अब मैं P&L में डाल दूंगा इसको, लेकिन चक्कर क्या है, बंदा पैसे पूरे कर गया, ये जे से लेने और ये जे को देने हैं कमीशन, दैट इज 907 का 10%, 91 हो गया, ठीक है 20 पैसे एडजस्ट हो गए ना। अबनॉर्मल आइटम की सेल का कमीशन भी अबनॉर्मल होगा, इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल लें। जब आपको आइडिया हो गया ना कि भाई साहब कुछ अबनॉर्मल हुआ है, तो उससे रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज अबनॉर्मली ही ट्रीट की जाए। नॉर्मल सेल का कमीशन कंसाइनमेंट अकाउंट में, अबनॉर्मल सेल का कमीशन अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, यानी अबनॉर्मल आइटम का जो स्टॉक है उसको अलग से आपने रिस्पेक्ट देनी है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप चाहे उसके अंदर दिखाएं बाहर दिखाएं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखा दें, लेकिन गारंटीड अंदर दिखाना गलत हो जाएगा आपसे, आप ठीक नहीं कर पाओगे उसे, इसलिए मैं इसको बचाना चाह रहा हूं। ठीक है, कंटेंट को हमेशा समझना है। जो आपकी जो स्टेटमेंट थी वो कुछ ऐसी चार्टेड अकाउंटेंट की स्टेटमेंट है कि जैसे कोई बंदा सीए बन गया और सीए बनने के बाद उसका जूनियर उससे पूछ रहा है सर ये एंट्री कहाँ दिखाऊँ, कहीं दिखा दे यार, बैलेंस शीट तो मिल ही जानी है, सब माया है, मत दिखा चाहे तो भी मिल जाएगी, ठीक है। नहीं, अपने को अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, अपने को फंडामेंटल चार्टेड अकाउंटेंट बनाना है, अपने को वाट लगानी है, जो तुक्के से चार्टेड अकाउंटेंट बने उनकी वाट लगानी है, ठीक है ना। हाँ जी, इसका कोई रीजन होता है यहाँ पे एबनॉर्मल सेल का कमीशन दिखाया, क्या एबनॉर्मल आइटम्स कंसाइनमेंट नहीं बियर करेगा, ये रीजन होता है। ये कंसाइन जी साफ साफ कह देगा मैं ये काम करता रहूंगा, माल डैमेज हो जाए उसको बेच दो फिर उस पर कमीशन, कोई डंका काम करवाओगे या नहीं मेरे से, और कल को इसके कारण बड़ा नुकसान हो जाए कंसाइनमेंट में, तुम तो कंसाइनमेंट का धंधा बंद कर दोगे, एजेंट के ऊपर डाल दोगे सारा, ट्रक तुम्हारा, कारें तुम्हारी, ट्रक ठुमकता हुआ चल रहा है, कारों के स्क्रैच लग रहे हैं, कंसाइनी के ऊपर कह दो तूने अबनॉर्मल लॉस कर दिया, वो क्या कर रहा था भाई, समझ रहे ना कोई बात, तुमने माल भेजा, कारें भेजी, ट्रक के अंदर भेजी, ट्रक हिलता हुआ जा रहा है, तो कोई कंसाइनी थोड़ी उसके अंदर माइकल जैक्सन बना हुआ था ठुमके मार रहा था, ट्रक ने ठुमके मारे, भुगत रहा है बेचारा कंसाइनी, ठीक है ना, यही रीजन होता है और कोई खास रीजन नहीं होता। लो जी, अब मुझे ये बताइए किस तरफ बैलेंस आ गया, बाय P&L अकाउंट 1387। चलो भाई,
बिल्कुल आवाज़ नहीं। हाँ, अब इसका मैं थोड़ा सा ये ट्रीटमेंट ले लेता हूँ। अब मुझे ये बताइए, आपने क्या किया, डैमेज्ड गुड्स कितने में बेचा? नाइन जीरो सेवन। लो जी, और हुआ कितने का था नुकसान? 1296। ठीक है, लो जी। हाँ नहीं, मैंने काटना ही है, मैंने तो करना ही नहीं इसको। ठीक है, ये नॉर्मल सेल है और ये आपने बेचा 907 में, ये देखो, और इधर से कमीशन ऑन डैमेज्ड गुड्स, कमीशन दोगे ना आप 907 का? 91। अब मुझे ये बताइए, आपका फाइनली लॉस कितना आया था? 480 बाय पी एंड एल। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस ट्रांसफर्ड कितना? 480। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये सारा ट्रीटमेंट यहां करके दिखाना पड़ेगा, फिर आंसर यही आएगा 176। ये है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस, लॉस ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस। अब ये देखो, अगर ये 480 इसमें इंक्लूड होके आ जाता है तो बताओ धक्के से ब्लेमिंग आ गई ना एजेंट के ऊपर। तो अगर मैं ऊपर लिखता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा बाय पी एंड एल, अब नॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, और ये पी एंड एल अलग से लिखना पड़ेगा ताकि मैं क्लासिफाई कर सकूं कि कंसाइनमेंट पर लॉस कितना हुआ और डैमेज्ड गुड्स के ऊपर लॉस कितना हुआ। जो डैमेज हुआ है उसमें आपका ही कसूर है, कंसाइनी का कोई कसूर नहीं है। ठीक है ना? हाँ, मैंने लिख दिया है, अब मैं काट देता हूँ क्योंकि वो दिमाग में खारिश रहती वरना। सर। हाँ जी। सर, जब इस वाले दूसरे वाले मेथड से करेंगे तो 1296 स्टार्टिंग में अलग थोड़ी निकालेंगे? हाँ, एक मिनट, मैं वही ठीक कर रहा हूँ। मैं जो, हाँ बिल्कुल, आप है ना, ये देखो, ये नहीं दिखाओगे आप, ये नहीं दिखाओगे ना आप, ये दिखा दोगे, ये देखो 9, 4, 13 और कितना आ गया, ये हो गया क्या ये पूरा? हाँ, ये कमीशन वगैरह मिला के हो जाएगा, फिर हम 1296 नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना? लेकिन मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, मैं इसको दिखा रहा हूँ और जिसको नहीं दिखाना उसको काट रहा हूँ। इसको नहीं काटना, इसको नहीं दिखाना और इसको नहीं दिखाना। मैं अपनी बात को पक्की कर रहा हूँ, आपको अगर अब नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट समझना है आप करो किसी तरीके से ही। मैं खुद कहता हूँ कि जब हमारे पास दो ऑप्शन हो कि आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं तो गो विद एसएम। लेकिन दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रखो, अगर रख पाओ तो हाजमा मजबूत होना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं गलती कर सकता हूँ तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो बस। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस को यहाँ से निकालें, अलग से अकाउंट बनाएं, प्रॉफिट लॉस है वो पी एंड एल में ट्रांसफ़र करें। ठीक है, चलिए जी, बस अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थर्ड पॉइंट देखो, पूछा क्या है इसने, पूछा ये है, रिकॉर्ड द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन इन केज लेजर। कहते हैं इन सभी ट्रांजेक्शन को केक ही लेजर में बताइए, शोविंग द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंसाइनर। प्रॉफिट तो दिखाई दिया, अब किसका अकाउंट बनेगा? कौन है ये बंदा, कौन है? जे के, के की बुक में जेज अकाउंट। अच्छा देखो, आज मैं शॉर्टकट में बनाना सिखाता हूँ तुम्हें ये, कि हाँ, कि जे से जो पैसे लेने हैं डेबिट में और देने हैं वो क्रेडिट में। तो मुझे बताइए आप ज़रा, यस, जे को देने थे, कुछ खर्चे पे किए थे उसने बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने? यस, अरे उसने खर्चे किए थे ना यार, अच्छा इनडायरेक्ट किए हैं सारे 500। लो जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस
500 इनडायरेक्ट एक्सपेंस 500, और क्या था, एक हमने उससे सेल के पैसे लेने हैं, सेल के पैसे लेने हैं, नॉर्मल और अब नॉर्मल। नॉर्मल सेल के पैसे कितने लेने हैं अपने को, 9000। नॉर्मल सेल के पैसे लेने हैं 9000, और अब नॉर्मल के कितने लेने हैं, 907, और उसको कमीशन देना है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। जब वो क्रेडिटर बने तो क्रेडिट में, और जब डेटर बने तो डेबिट में। कमीशन ऑन नॉर्मल सेल और अब नॉर्मल सेल, इसको अब नॉर्मल आइटम कहते हैं हम। यस, कितना कितना था जी, 9991 खत्म। और कुछ हुआ है क्या, देखो जरा, एट फोर। अच्छा, इसका हुआ क्या है, बोला है क्वेश्चन में कुछ, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, रिमिटेड द अमाउंट ड्यू टू के। देखो, ऑन द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स एंड रिमिटेड द अमाउंट ड्यू टू के, कहता है कि उसने जो के को जितने पैसे देने थे वो भेज दिए। ये देखो, रिमिट द अमाउंट ड्यू टू के, माल बेचा और जो जो पैसे के को देने थे, तो फाइनल आ गया ना। ये देखो, ये सेल के पैसे लेने, ये इनडायरेक्ट के पैसे देने, ये कमीशन के देने, और ये अब नॉर्मल कमीशन के देने। तो नेट क्या आ गया जी, बाय, हाँ, पैसे रिसीव हो गए ना, बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट। बैंक ड्राफ्ट लिखे तो बाय बैंक ही लिखना है, बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, क्या कहते हैं, हाँ, ये रिसीव होगी ना, इसको तो रिसीव होगी, उसने पे की, क्या कह रहे हो, हाँ, ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में रिमिटेंस ना लिखा होता तो हम बैलेंस शीट ही लिख देते कि पैसे लेने बाकी हैं। ठीक है, हाँ जी, डन। चलिए, अब मुझे बताइए नेक्स्ट। अच्छा, एक अकाउंट रह गया, ये बना दिया करो यार, उसको गुस्सा आ सकता है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, बताना जरा, डेबिट क्रेडिट रुपीस रुपीस पर्टिकुलर, हाँ, जब माल भेजा था तो एंट्री क्या हुई थी, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने का था, 12,500, और किस में ट्रांसफर करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ जी, ये जो 460 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये कहाँ जाएंगे अब, ये ऊपर वाले, ये सर, ये तो कवर हो गए, कुछ सेल में हो गए, कुछ क्लोजिंग स्टॉक में हो गए, कुछ लॉस वगैरह में हो गए, लेजर वगैरह में कहीं पे ट्रांसफर नहीं, कैश अकाउंट में हो जाएंगे ना, कैश कैश बुक बनाओगे उसमें बाय कंसाइनमेंट आ जाएगा। यस, कुछ कोई और बात करनी हो बोलो। शाबाश सर, ये एबनॉर्मल लॉस अगर अकाउंट ना की करें तो इसमें मार्क्स कटने के चांसेस है, नहीं, मार्क्स दोनों में से किसी में नहीं कटेंगे, और अगर कोई पागल आदमी बैठा होगा तो वो शायद दोनों में ही काट ले, ठीक है, बिना दिमाग का आदमी तो कर सकता है कुछ भी, देखो, लेकिन जो लॉजिकल बंदा है, जिसको अच्छे से नॉलेज है इसकी पूरी की, वो दोनों में से किसी में मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। ये हमेशा लगा के चलना, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर SM से डिटो मैच होना चाहिए, लॉजिकली तो ये सही है जो बात कर रहे हैं अपन, और है तो बस ठीक है, लॉजिकली ही सही होना चाहिए, इससे ऊपर आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप सिर्फ जो आपको लॉजिकली अपील करता है या जो लॉजिकली सही है, खैर मन की आवाज़ कौन सा, ये अध्यात्म है, लेकिन
जो आपको सही लगता है और है सही वो आप दिखा सकते हैं, आप वहाँ पर चाकू नहीं लगा सकते एग्जामिनर के कि भाई ठीक कर मैंने तो ऐसे किया मैच किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बस आप वहाँ दबाव नहीं डाल सकते। खैर डन हो गया ये, चलो अब यस ये आपके स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है। यस 1000 टॉयज कंसाइंड बाय रोजी एंड कंपनी ऑफ कैलकटा टू साहू ऑफ श्री गंगानगर श्रीनगर, ये कैलकटा श्रीनगर है इसलिए रोजी लिख दिया, हरियाणा होता तो गुलाबो लिखते है ना। हाँ रोजी 1000 टॉयज कंसाइंड बाय रोजी एंड कंपनी ऑफ कैलकटा टू साहू ऑफ श्रीनगर एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 150 ईच, तो 1000 और 150 कॉस्ट है तो कितने का माल हो गया भाई, 1,50,000 का गुड्स हो गया। रोई लो जी हो गया काम इनका, रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट 10,000 इंश्योरेंस 1500, भाई कंसाइनर ने पे किया है तो कौन से एक्सपेंस हुए, डायरेक्ट एक्सपेंस हुए। ड्यूरिंग द वॉयज 100 टॉयज वर टोटली डैमेज्ड बाय फायर, वॉयज क्या होता भाई, यस 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 बिल्कुल, रास्ते में क्या हुआ, 100 टॉयज वर टोटली डैमेज्ड बाय फायर एंड हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड, मतलब उनको नष्ट करना पड़ा, ये खिलौने डैमेज हो गए और एक तरह से उनको खत्म करना पड़ा। साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज, अरे रिमेनिंग टॉयज कितने हैं, 1000 में से कितने गए, 100, तो कितने रह गए, 900 एंड पेड 14,400 एज कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी सेल के लिए तो दी नहीं जाती, क्लियरेंस के लिए दी जाती है। एक बच्चे ने पूछा था क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, क्लियरेंस का मतलब जब क्लियर करवाते हो माल को, क्लियर करवाते हो माल ट्रक में है, पुलिस वालों ने रोक लिया, फिर बात करते हैं, फिर जो भी बात करते हैं वो बात करके फिर कहते हैं हाँ जाओ क्लियर है, उसे बोलते हैं क्लियरेंस, ठीक। साहू सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू रॉय एंड कंपनी फॉर रुपीज 50,000 एज एडवांस पेमेंट, क्या बात है, ये नई बात आ गई यार, कहते हैं बैंक ड्राफ्ट भेजा, बैंक ड्राफ्ट कुछ नहीं है, ड्राफ्ट हो चेक हो बैंक से पैसा आ रहा है, सीधी सी बात है, बाय बैंक आएगा। साहू, साहू कौन है भाई, है साहू है कंसाइनी, उसने क्या किया 50,000 एज एडवांस पेमेंट। अब ये एडवांस पेमेंट क्या है, देखो एडवांस कुछ ऐसा ही है जैसे पुरानी फिल्मों बोलते थे ये लो एडवांस बाकी काम होने के बाद, ठीक है ऐसे करते ना, अभी 5,00,000 में सुपारी ले ली, सुपारी समझते हो ना, हाँ उपनवाड़ी के पास जाके सुपारी जो लेते हैं 5,00,000 रुपये उसको दे, हाँ जी अच्छा अच्छा किसी का मर्डर करने का, अच्छा मैंने सोचा वही सुपारी 5,00,000 की आती होगी। तो क्या होता है कि किसी की सुपारी देते हैं फिल्मों में, फिर कहते हैं 5,00,000 रुपये लगेंगे 50,00,000 रुपये लगेंगे, फिर वो एडवांस देता है बाकी काम होने के बाद, तो इसका मतलब ये 5,00,000 एडवांस है, ये 50,000 एडवांस है, ये सिक्योरिटी नहीं है, ध्यान रखना, एडवांस और सिक्योरिटी में डिफरेंस है, ठीक है ना। पहले स्टडी मटेरियल में कोई भी क्वेश्चन एडवांस पेमेंट का आया नहीं था तो मुझे अलग से समझाना पड़ता था कि अगर एग्जाम में एडवांस आ जाए तो ये करना है, सिक्योरिटी आ जाए तो ये करना है। अभी एडवांस का कोई क्वेश्चन आ गया तो ये करवा रहा हूँ, सिक्योरिटी का अभी भी नहीं आया, सिक्योरिटी का मैं फिर आपको बताऊंगा, तो ये ध्यान रखना है। सिक्योरिटी का अभी तक इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया स्टडी मटेरियल में, ना एग्जाम में अभी तक कोई आया, लेकिन आ सकता है सिक्योरिटी, इसी की जगह सिक्योरिटी हो जाए तो पंगा हो जाएगा, एडवांस है तो कोई पंगा नहीं है। मैंने आपको कहा ये माल 5,00,000 में बेच दो, आपने कहा बेच दूंगा, मैंने कहा वाह कमाल है ये लो फिर 50,000 मेरी तरफ से एडवांस भी ले लो, फिर आपने 5,00,000 का गुड सेंड कर दिया। अब उसने कहा जी मेरे टोटल ये बनते हैं वो बनते हैं, तो मैंने उसकी सेटलमेंट कर दी अकाउंट, ठीक है ना, आपने मुझे 50,000 दे दिए बाकी 4,50,000 रुपये काम होने के बाद, ठीक है। कंसाइनी ने एडवांस दिए, साहू कौन है, कंसाइनी। एंट्री कुछ नहीं, मैं कंसाइनर हूं तुम कंसाइनी हो, तो तुम मुझे पैसे देते हो तो एंट्री क्या करते हैं, मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू तुम, और तुम क्या करोगे टू बैंक और डेबिट, हाँ बस यहां मैं रिसीवर वहां तुम गिवर, बस बात करते, एंट्री सिंपल होनी है, लेकिन बात यह है कि ये एडवांस है या सिक्योरिटी, ठीक है, इन दोनों में से क्या चीज है वो देखना पड़ेगा। चलिए अच्छा जी, एंड लेटर, और बाद में क्या किया, एक लेटर भेजा, हाँ बाद में अकाउंट सेल भेजा भाई, शोविंग दैट 800 टॉयज हैड बीन सोल्ड एट 220 ईच।
अरे यार 900 तो सारे मिले थे, उसमें से 800 उसने सेल कर दिए, तो स्टॉक कितने बच गए? 100 स्टॉक बच गया भाई। एक्सपेंसिस, अच्छा, हैज बीन सोल्ड एट ये सेलिंग प्राइस। एक्सपेंसिस इनकर्ड बाय साहू ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा 2000, ये कौन से हैं? तो क्या हुआ, ये कौन से एक्सपेंस हुए? ये हुए जी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हुए हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। साहू वॉज एंटाइटल टू ए कमीशन 5%, ओके 5% कमीशन है। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर यानी जिसको उधार माल बेचा था, कुड नॉट पे फॉर 5 toys, क्या आ गया? बैड डेट्स। एक ये नया पॉइंट आ गया, वन ऑफ दी क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 toys। तो बैड डेट्स कितने हो गए पता है आपको? हाँ जी, 5 हैं और 220 के हिसाब से बेचे थे आपने, कितने हो गए? 1100, 1100 रुपये डूब गए भाई। और मुझे ये बताइए, 1100 का जो बैड डेट्स हुआ है वो लॉस कौन बियर करेगा इस क्वेश्चन में? कंसाइनर, क्योंकि उसे सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन दिया जा रहा है, डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया जा रहा। तो एक ये नई बात आ गई, अब इसको कैसे करना है वो बात करते हैं अपन, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे, बैड डेट्स हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड साहूज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोजी एंड कंपनी, अज्यूमिंग दैट नथिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरर ड्यू टू डिफीट, नहीं है वैसे तो डिफीट इन पॉलिसी भी ठीक ही लिखा है वैसे तो बाई चांस, लेकिन डिफेक्ट इन पॉलिसी भी होता है कई बार, आप है ना उनकी कंडीशंस पूरी नहीं करते, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे नहीं होते तो कहते हैं जी डिफेक्टेड हो गई पॉलिसी। डिफीट में क्या आ गई, हार गया भाई वो, ठीक है? तो दोनों ही चीजें ठीक है जो भी है। आगे कहता है, साहू एंटाइटल्ड हिज अकाउंट इमीजिएटली, सेटल्ड हिज अकाउंट इमीजिएटली, उसने क्या किया, उसके अकाउंट को तुरंत सेटल कर दिया। अब 2 मिनट लगा के एक बार क्वेश्चन ये खुद भी पढ़ लो। ये डिफेक्ट है, वन टू थ्री फोर टू, हाँ रोजी एंड कंपनी आएगा। नया क्वेश्चन है तो हो सकता है थोड़ी टाइपिंग में भी हो, थोड़ी बुक में भी हो। बुक में भी रोजी एंड कंपनी है सर, ये 2000 क्या है फिर से बताना? ये रोजी एंड कंपनी, अभी रोय लिखा हुआ था आपके स्टडी मटेरियल में, करेक्शन कर दिया मैंने। हाँ जी, और क्या 2000 क्या, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। साहू ने गोडाउन का रेंट दिया एडवर्टाइजमेंट वगैरह की 2000, तो ये तो सारे इनडायरेक्ट है। यस डन, हो गया। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर PQ3। यहां लिखिए बुक्स ऑफ रोजी एंड कंपनी। मैडम PQ3 है, जागते रागरो क्लास के अंदर सो जाते हो।
सभी बच्चे बोलना बंद कर देंगे, शाबाश। थाउजेंड एट द रेट ऑफ 150। वन लैख 50,000। टू कैश भी है ना, टू कैश। खर्चा किया इसने 10,000 और इंश्योरेंस। ब्रेक करवा करवा के थका नहीं क्या तो? फ्रेट कितने? 10,000। इंश्योरेंस 1,500। और कौन है बे? और कोई है? 100 वर टोटली डैमेज्ड बाय अबनॉर्मल लॉस। बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट सी वर्किंग नोट। और कौन है देखो? कस्टम ड्यूटी नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस है इसके भी 14,400। टू क्या नाम है? साहू। साहू ने कस्टम ड्यूटी पे की कितनी? नहीं नहीं 14,400। हाँ वो और लिखवा दो चाहे आप साथ में। एडवर्टाइजमेंट और क्या था? रेंट एंड गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट कितना था ये? 2000। ये लो जी, ये एक साथ लिख सकते हैं हम। फिर साहू ने माल बेच भी दिया। बाय साहू सेल्स कितना बेचा? 800 नहीं बेचा, 800 बेचा है। ओके 800 इंटू 220 1,76,000। ओके कमीशन साहू का ना 1,76,000 का। हाँ जी बताइए। सॉरी 8,800 ये लीजिए। यस डन। इतना काम हो गया। चलिए सुनिए ध्यान से। देखो कुछ रहना गया हो अभी तक तो ये सिर्फ ये कहता है कि ये 5 टॉयज के पैसे डूब गए। बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी हमने और वर्किंग नोट्स भी बना लेते हैं। चलो कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। हाँ जी क्या क्या लिखते थे बताना जरा? पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, कॉस्ट, रुपीज है ना। क्वांटिटी में टॉयज है, नंबर ऑफ टॉयज। हाँ जी गुड्स सेंट कितने भेजे? 1,000। खिलौने कितने थे? 1,000। और कॉस्ट कितनी थी? 1,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड बाय कौन? रोजी एंड कंपनी। कंसाइनर लिख देता हूँ।
कितना पे किया था इन्होंने डायरेक्ट 11,500, हाँ 10,000 वो और 1,500 इंश्योरेंस है ना, 11,500 राइट। चलिए जी, तो जी यहाँ आ गया 1,000 और ये आ गया 161,500, और जैसे ही भेजा रास्ते में लॉस हो गया, लॉस हो गया ना, लेस क्या कर दूँ अब नॉर्मल लॉस कितने 100 और ये आएंगे 161,500 है 1,000 का तो 100 का कितना होगा राइट, कितना हुआ जी 1615 0, ये लो 0, इतना शौक है। हाँ जी, तो गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी राइट, यहां तो लिख दूं रिसीव्ड बाय कंसाइनी 900 और 145,350, और मजे की बात अब आ गई, अब डायरेक्ट एक्सपेंस साहू ने भी पे किए, कितने पर पे किए ऑन 900 राइट। साहू ने डायरेक्ट एक्सपेंस जो पे किए वो कितने 14,000। अच्छा अब ये बताओ 14,400 ये किराया 1,000 का दिया होगा या 900 का दिया होगा, 900 का दिया होगा ना, समझ रहे हो बात को, इसको नोट कर लेना अच्छे से, वो जितने का माल उतारेगा उतने का ही किराया देगा ना, बाकी तो खत्म रस्ते के अंदर, ये ध्यान रखनी है बात आपने। अब यूं मत है ना उसका बुरादा बड़ा है उसको तो कर लो। हाँ जी सर, वो ट्रक से माल फेंक थोड़ी देगा रस्ते में। हाय हाय क्या बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखो पता है क्या होता है, चलो एक बार करो इसको फिर मैं बताता हूँ, बच्चे एक बार नोट करते हैं मैं बता देता हूँ। हाँ जी कंसाइनी आएगा क्या, हाँ ठीक है यहाँ कंसाइनी आएगा जी, ठीक कर लेना इसको, मैं तो चेक कर रहा था आप लोग। यार पता क्या होता है, सुनो ध्यान से, इंश्योरेंस कंपनी का सिस्टम क्या है कि कोई भी आपका एग्जांपल नहीं लेते, किसी और का एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स का बाइक का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, ट्रक आ रहा था, स्कूटर आ रहा था, जो भी था उससे स्कूटी आ रही थी उससे एक्सीडेंट हो गया जैसे, तो वहां पर क्या होता है कि आपको अपनी बाइक को लोकेशन पर ही छोड़ना पड़ेगा और फिर इंश्योरेंस कंपनी आके उसका सर्वे करेगी, और सर्वे करके और उसके बाद अगर बाइक ऐसी हालत में है कि वो रिपेयरेबल है, उसकी रिपेयर हो सकती है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ठीक है आप वहाँ मिस्त्री के पास लेके जाओ, मैकेनिक के पास, और वो बिल बनाएगा और वो बिल हम पास करेंगे। मतलब इंश्योरेंस कंपनी वेरिफिकेशन जरूर करती है कि वास्तव में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, ये बंदा झूठा क्लेम तो नहीं ले रहा है कहीं। और यही सेम गुड्स के मामले में होता है, गुड्स के मामले में भी तो ऐसा ही होगा, जब जहां एक्सीडेंट होगा, जहां आग लगेगी, वहीं लोकेशन पर इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आता है और सर्वेयर आके और वो उसका इंस्पेक्शन करता है। और गुड्स के मामले में जनरली ये होता है कि जो सॉल्वेज स्टॉक होता है ना, सॉल्वेज यानी जो कबाड़ होता है, जो जला हुआ होता है या जो भी है, अब चोरी होती है तो उसका तो कबाड़ होता नहीं, ठीक है, लेकिन आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो जो डैमेज्ड गुड्स है वो इंश्योरेंस कंपनी ले जाती है और उसका क्लेम आपको देती है, ठीक है ना। अब जैसे बाइक है, बाइक पूरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, रिपेयरेबल है ही नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू आपको दे देती है और बाइक का जो स्क्रैप है वो खुद लेकर बेच देती है। और हमारे क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ही टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग गुड्स, कि उसने रिमेनिंग गुड्स के लिए, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी लेके गई, और ना भी बोले तो भी हमें यह मानना है कि इंश्योरेंस कंपनी ले गई, ये ध्यान रखनी, ये बात समझ आ गई आपको अच्छे से, ठीक है ना। जो माल रस्ते में डैमेज हो जाता है वो इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से उठा ले जाती है सर्वे करने के बाद, उसका क्लेम आपको दे देती है, कबाड़ यूजेबल है तो ठीक है बेच देगी कहीं भी, अदरवाइज वो फेंक देगी उस चीज़ को, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए लेकर जरूर जाती है, भाई तुमने इस बाइक का क्लेम दिया तो ये बाइक है कहाँ, डैमेज्ड बाइक कहाँ है, कहीं कागजों में तो क्लेम नहीं दे दिया तुमने सेटिंग करके कहीं, तो वो उनको दिखाना पड़ता है ऑथेंटिक ढंग से। यस सर, जैसे ये
ये तो एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। हाँ। अगर मान लो ट्रक के अंदर ही कोई कंच का सामान है कुछ भी है वो टूट जाता है, हाँ, उसका भी तो इंश्योरेंस मिलेगा। हाँ, तो कंच ले जाएगी इंश्योरेंस कंपनी, तो वो तो बाद में लेकर जाएंगी ना, वो तो किराया तो ट्रक वाला ऐसे कहेगा कि भी मेरे को तो मेरे किराए से मतलब है, वो बता देगा। आप जो बोल रहे हो ना वो अब नॉर्मल रीजन है कि उसको ढोए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा करते नहीं हम आमतौर पर। हम घर में भी कोई कंच का गिलास टूट जाता है तो उसको वहीं रखते हैं पूरा दिन कि चलो किसी के लग जाए, हो सकता है डस्टबिन में, तो शाम को डाल देंगे, परसों डाल देंगे, कल डाल देंगे, दो चार जने डैमेज और तो हो इसके साथ, एक गिलास मरा है तो किसी को लेकर मरे, अकेला क्यों जाए भाई। तो ये एक कॉमन मेंटेलिटी नहीं है। आप वाली जो बात है वो बता दी जाएगी स्पेशल कि हमारे घर में गिलास टूटा, हमने नहीं उठाया बल्कि उसके और टुकड़े फैला दिए, बल्कि एक और था वेस्ट वो और तोड़ दिया, ले वो बता दी जाएगी बात, ठीक है। अदरवाइज ये है कि इंश्योरेंस कंपनी कबाड़ ले गई, क्लेम दे गई, आपने ऑन दी लोकेशन माल को ख़त्म कर दिया, डैमेज हुआ आपने ख़त्म कर दिया, उसका भाड़ा आगे नहीं लगा फिर, ठीक है। और एक बात, अब कुछ और यूं भी कह सकते हैं, बल्कि एक बात मेरे दिमाग में भी आई है ऐसी कुछ खुरापात कि ये देखो यहाँ आग लगी और माल का ये वाला पार्ट जो है ख़त्म हो गया, ये वाला बाहर डाल दिया, लेकिन एक बात देखो मिस्टर एक्स ने इसका तो फ्रेट दे ही रखा था, तो अब यहां जो अनलोडिंग होगी वो रिमेनिंग गुड्स की होगी ना, तो वो जो खर्च करेगा वो इसके ऊपर करेगा। मान लो यहां से 1000 भेजे आपने, यहां 50 गए तो यहां कितने आए 950, तो यहां जो खर्चा होगा 950 का होगा, उसमें से 800 बिक गए, 150 रह गए, तो ये खर्चे 950 के ही होंगे। अब कहीं यूं कह दो जी देखो इसमें तो वो लोड करके लाया था और यहां आया फिर वो यहां गया, यहां नहीं गया, ये वाले जो एक्सपेंस है सिर्फ 950 के आएंगे आपके, ये माल ढोकर नहीं घूमेंगे हम कबाड़ को, ठीक है ना। हाँ जी साहिब कुछ पूछ रहे थे। सर हाँ जी इधर। हाँ जी, हाँ जी सर, वो सामान तो पैकिंग में होएगा तो पता कैसे चलेगा, ऐसे खोल के पता चलेगा क्या पूछना चाह रहे हो, कवित्री कहना क्या चाहती है? उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि कंच का सामान कोई टूट गया, तब ट्रक वाले को क्या पता? ट्रक वाले को नहीं पता, इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है, जिस चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं उसको बताते हैं तो भी कंच का सामान है, सारे सामान का ही लेगा फ्रेट तो फिर। लेकिन आगे नहीं जाएगा, वहां इंश्योरेंस कंपनी उठा के ले जाएगी, आपका स्क्रैप उठा के ले जाती है। सर आपने कहा था वो कंच वाला सामान को इंक्लूड करके नहीं लेगा, वो फ्रेट 900 का लेगा आगे का ना। हाँ यहाँ देखो अपन एक काम कर लेते हैं, 5000 ग्लासेस थे कंच के, 5000 ग्लासेस थे कंच के और 500 यहाँ टूट गए खत्म, वो यहाँ नहीं आए, तो ये बताइए यहाँ कितने आए 4500, तो यहाँ जो वाई जो पे करेगा वो 4500 पर पे करेगा या 5000 पर पे करेगा? 4500 पे पे। हाँ हाँ, एक मिनट इनको पूछने दो यार, कमाल है, आप ही पूछो, यही बात थी क्या? नहीं ये बात तो नहीं थी लग रही है सर। हाँ अरे तो इनको पूछने दो, बोलो आप, यही था एग्जैक्टली यही था क्वेश्चन। अच्छा अब इसको लेके किसी और के दिमाग में कुछ हो रहा है क्या सर? हाँ सर, हमें रिसीव होने के बाद पता चलेगा कि डिफेक्टेड है या नहीं है, वो तो ओ भाई ट्रक वाले को यही पता लग जाएगा जब इसका सिर फूटेगा, जब एक्सीडेंट होएगा, जब आग लगेगी, ठीक है, और वो डैमेज गुड्स को उतार देगा। लो जी ऐसा है, अब नॉर्मल लॉस की टेबल हम बना रहे थे, ये रहा हमारा अब नॉर्मल लॉस रस्ते में हुआ है। हाँ इसमें थोड़ा सा ये देख लेना आप लोग है ना, ये डायग्राम इस तरह का डायग्राम रफ के अंदर कर सकते हो जब तक समझने के लिए कि जैसे ये था और ये था, ठीक है जी। तो यहाँ से जब गाड़ी चली, यहाँ से जब गाड़ी चली तो यहाँ से कितने कितने खिलौने थे, 1000 क्या? 1000, और कितनी कॉस्ट थी इनकी? यस 150, एट द रेट ऑफ 150 यानी 150,000, तो ये 1000 यहाँ आ गए। अच्छा इस पर डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए थे, इसने कितने किए थे टोटल? 11,500। हाँ 11,500 डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर इसमें से कितने माइनस हो गए रस्ते में? 100 ये माइनस हो गए, तो यहाँ पर जो डिलीवरी पहुँची वो कितने की पहुँची? 950 की। अच्छा जी और यहाँ पर इसके डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए? 900, और यहाँ पर इसके कितने एक्सपेंस हुए? 14,400 ये हुए, ये इसके डायरेक्ट एक्सपेंस हुए, और फिर इसने इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने किए बताओ जरा? 2000, पूरे 2000?
ये 2000, फिर सेल कितनी हुई बॉस? 800 की सेल हुई है, 800, और स्टॉक कितना है? 100. ये लो, अब सुनो ध्यान से, मतलब ये डायग्राम एक बार, जब तक आपको अब नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट समझ ना आए तब तक ये डायग्राम बना सकते हो आप, अपनी फेयर नोटबुक में भी बना सकते हो और रफ नोटबुक में भी, एग्जाम में नहीं बनाना इनको, ठीक है ना। ये देखो, मुझे ये बताइए, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी? आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। इसके डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब इन ट्रांजिट हुआ है। अगर यही लॉस अगर गोडाउन में हुआ होता तो कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी? आएगी। इसके एक्स के यानी कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। कंसाइनी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ बचे हुए माल पे एफर्ट्स किए जाते हैं सेल के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, हमारे क्वेश्चन में, हमारे अभी तक के क्वेश्चन बैंक में अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ गोडाउन में लॉस हो रहा हो, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, देख लेंगे आगे आ गया तो, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है। और एक क्वेश्चन अभी बाद में एग्जाम में आया था, पहले नहीं डाला हुआ था, जहाँ नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस दोनों इकट्ठे होते हों, ठीक है ना। ये अभी फॉल्ट है क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में, इस तरह के क्वेश्चन दे नहीं रखे, लेकिन कंसेप्ट हम समझ रहे हैं सारे। क्लियर है ये ग्राफ? क्लियर है आपको? ठीक है, हाँ जी। ग्राफ नोट करना है? ये लो जी, बिल्कुल नोट करो। इन ट्रांजिट अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो एक ये आएगा और एक ये आएगा प्रोपोर्शनेट। और क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या आएगा? ये आएगा, ये आएगा और ये, है ना, तीन एक्सपेंसेस ऐड होंगे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। ठीक है, हो गया होगा शायद, ठीक है। चलिए जी, ये हमारी टेबल है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आ गए कंसाइनी के, तो आपके 900, और ये आ गया 159350, ये टोटल हो गया जी 750। ओके, ये लो जी, सेल कितना हुआ इसमें से? 800। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 100। तो बताओ अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू तो आएगी आपके पास, ये देखिए 16,150 रुपये अब नॉर्मल लॉस आ गया, 16,150 है ना। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और निकाल लेते हैं अपन, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 159750 है 900 की, तो 100 की कितनी होगी? 17750। ये इज डन, ओके। चलिए, हाँ बताना कितना था? 1, हाँ यही है ना, और स्टॉक है ना, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब नॉर्मल लॉस तो ठीक ही लिखा है, क्या चेक कर रहे हो? देखो यही है ना, हाँ
ये भी वर्किंग नोट। हाँ जी, ये बताइए। 17750, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसको वर्किंग नोट वन लिख लो, क्योंकि मैं वर्किंग नोट टू भी बनाने वाला हूं। देखो अभी आप कर लिया आप सभी ने, ठीक है। अब सभी बच्चे ना बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात सुनेंगे, और एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर है इम्पोर्टेंट। अलग कलर से वर्किंग नोट टू लिखते हैं हम, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंट्रीज, रोजी एंड कंपनी और साहू। व्हेन गुड्स वॉज सोल्ड, साहू ने माल बेचा, और ये बात तो पता लगी कि क्रेडिट में सेल किया, राइट? साहू ने माल बेचा और उधार बेचा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, नाम नहीं बता रखा ना, और टू किसको देने हैं ये पैसे? आपको ध्यान है जब मैंने सेल की एंट्री करवाई थी तो क्या लिखा था? कंसाइनी क्या करेगा? डेटर से पैसे लेने हैं और कंसाइनर को देने हैं, तो जिससे लेने उसे डेबिट करेगा और जिसको देने उसे क्रेडिट कर देगा। क्लियर है ना ये चीज? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, नहीं बैड डेट्स नहीं पूछ रहा मैं, सेल बताओ। 800 एट द रेट ऑफ 220, 800 एट द रेट ऑफ 220, 176,000, ओके। ये बेचे जी इसने, और रोजी एंड कंपनी क्या करेंगे? साहू डेबिट, साहू डेबिट टू कंसाइनमेंट, सेल की जगह कंसाइनमेंट लिखेंगे ना, साहू से पैसे लेने हैं। डेटर, डेटर बन गया साहू। अब क्या हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर्स कुड नॉट पे फॉर फाइव टॉयज, फाइव का ही है ना, कहता है जी पांच टॉयज रिकवर नहीं हो पाए। लो जी सुनो, इसका मतलब यह हुआ कैश रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश रिकवर हुई भाई, डेटर से कैश रिकवर हुई तो एंट्री क्या हुई? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, राइट? अरे किसको रिकवर हुई? साहू को, साहू को रिकवर हुई। साहू क्या करेगा? पैसे लेकर अपने पास रख लेगा और रोजी एंड कंपनी के साथ तो फाइनल सेटलमेंट करेगा ना, बार बार थोड़ी होता है पैसे आ गए ये लो जी, पैसे आ गए ये लो जी, ये मैंने पैसे खर्च कर दिए दे दो जी, ऐसे नहीं होता, फाइनल सेटलमेंट होती है। तो क्लियर है ना अपने पुराने क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है? लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उसे सेटल करेंगे हम लोग, क्लियर? ठीक है, तो साहू को 795 का ही पैसा मिला जी, 795 का ही पैसा मिला 220 के हिसाब से, 174, 174,900,
और बताओ रोजी एंड कंपनी इसकी क्या एंट्री करेगी? ये लो, रोजी एंड कंपनी को इसकी कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो फाइनल सेटलमेंट के पैसे लेगी। अब समझने वाली बात यह है कि बैड डेट्स कौन बियर करे? लॉस ऑफ बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय कंसाइनर एज नो डेल क्रेडिटर कमीशन इज कमीशन इज अलाउड, राइट? ये जो पांच बंदों के 1100 रुपए डूबे हैं 1100, वो बैड डेट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनर, ठीक है? लिखना बंद कर देंगे एक बार, स्टॉप राइटिंग। सुनिए ध्यान से, अब मुझे ये बताइए, कंसाइनमेंट से रिलेटेड किसी भी लॉस को कौन से अकाउंट में डेबिट करता है? कंसाइनमेंट अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस है किस में डालता है? कंसाइनमेंट में। जो भी इनकम है किस में डालता है? जो भी लॉसेज है वो, जो भी गेन है वो, लॉसेज और गेन ओनली हैविंग नॉर्मल नेचर, नॉर्मल वाले। अब नॉर्मल नहीं डालता, लॉस बाय फायर नहीं डाला था। अब ये बताओ बैड डेट्स नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? नॉर्मल लॉस है बैड डेट्स। उधार माल बेचोगे तो कुछ पैसे फंसेंगे, ठीक है? अगर उधार माल बेचोगे तो पैसे कुछ ना कुछ पैसे तो फंसेंगी, और दैट्स वाई वी क्रिएट प्रोविजन। तो बैड डेट्स का जो लॉस है वो नॉर्मल लॉस है, तो कहाँ जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। किसी बच्चे का दिमाग चल सकता है एग्जाम के अंदर? बैड डेट्स हाई, पैसे खा गया, अब नॉर्मल लॉस है तो P&L में डालो, वहां लिखो बाय बैड डेट्स, फिर इधर लाओ, फिर P&L में, फिर देखो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मिल रहा है कि नहीं, ठीक है? इस तरह की खोपड़ी मत चला लेना। बैड डेट्स नॉर्मल लॉस है और कंसाइनमेंट में आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। पांच लोगों के 220 रुपए, पांच खिलौनों के 1100 रुपए डूब गए भाई साहब। वैसे बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जरा ध्यान रखना। वैसे एंट्री ऊपर समझ लो फिर लिख लेना। वैसे बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो हमने बैड डेट्स की जगह क्या लिख दिया? कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है? टू डेटर्स तो तब लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं? क्योंकि डेटर को हमने डेबिट कर रखा है, इसलिए क्रेडिट करना है। तो यहां हमने किसको? साहू को डेबिट कर रखा है या कस्टमर को डेबिट कर रखा है? साहू को डेबिट करना है, तो क्रेडिट किसको करेंगे? साहू को। हमने साहू से कहा भाई साहब हमने आपसे 1,76,000 लेने हैं, अब हम कह रहे हैं कि हमें आपसे 1100 नहीं लेने, 176,000 में से 1100 नहीं लेने, तो नहीं लेने। वो कह रहा क्या बात है भाई साहब, कभी कहते हो लेने, कभी कहते हैं नहीं लेने। तो हमने कहा ठीक है यार, बुरा क्यों मान रहा है? तेरे को हमने डेटर बना रखा है ना 176 से, हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, हम आपको राइट ऑफ कर देते हैं टू साहू। डेटर डिक्रीज हो गया भाई, टू साहू।
हाँ जी चलिए अब सुनो यार ध्यान से, ये एंट्री समझ आ गई क्या? ये एंट्री जस्टिफाइड है, बिल्कुल है। बेड डेट्स टू डेटर्स, तो बेड डेट्स की जगह कंसाइनमेंट, और जिसको डेबिट कर रखा है उसको क्रेडिट बनाओ। अब सुनो ध्यान से, अब मजे आएंगे साहू की बुक्स में। साहू ने किससे पैसे लेने थे? यानी कस्टमर से पैसे लेने थे, तो कस्टमर से अब नहीं लेने। ये है कस्टमर, कितने नहीं लेने? 1100। डेटर्स डिक्रीज हो गए भाई साहब, लिखो मत, सुनो। कस्टमर से 1100 नहीं लेने भाई साहब, डूब गए। तो इससे लेने थे 176 और इसमें से 1100 माइनस हो गए। और देने किसको थे? ये कौन थी? इसको ये देने थे, इसमें से भी तो 1100 माइनस करने। अब ये नहीं देने, अब साहू ने बदला लिया। साहू ने किसी टाइम रोजेंट कंपनी खुश कर दिया, हम आपको 176,000 देंगे। तो रोजेंट कंपनी रोज की तरह खिल गई भाई साहब, वाह क्या बात है, नाम भी गुलाबो था, ठीक है। तो 176,000 से वो क्रेडिटर बन गई। अब वो कह रहा है हम आपको 1100 नहीं देंगे, आप कौन सा हमें इस नाम का कमीशन देते हो, आप भुगतो। तो यानी अब रोजेंट कंपनी क्या करेगा, ये क्या करेगा, रोजेंट कंपनी को डेबिट, क्रेडिटर डिक्रीज हो गए। यानी साहू के लिए डेटर्स भी डिक्रीज हो गए और क्रेडिटर भी डिक्रीज हो गए। क्लियर? बताओ दोबारा सुन लो। साहू ने, कंसाइनी ने कस्टमर से पैसे नहीं लेने, कस्टमर राइट ऑफ करो, पैसे खा गया वो। क्योंकि अगर तुम कस्टमर को राइट ऑफ नहीं करोगे तो डेबिट कितना है? 176। और देखो क्रेडिट कितना किया था आपने? 174,900। तो डेबिट में बैलेंस कितना रह गया? 1100। तो राइट ऑफ करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे, तभी तो डेटर अकाउंट क्लोज होगा, क्योंकि पैसे तो देगा नहीं, वो पक्की हो गई है ये बात तो। और उसने अपने बुक्स में रोजी एंड कंपनी को कह रखा है कि जब हम फाइनल हिसाब किताब करेंगे तब हम आपको 176,000 देंगे। लेकिन अब बात ये फाइनल हो गई कि इसमें से 1100 रुपए नहीं देने। क्यों? जब मेरे पास आने ही नहीं तो मैं दूंगा क्यों भाई? और तू कौन सा मेरे को कमीशन दे रहा है? कमीशन देता तो मैं देता तेरे को पैसे। बैड डेट्स मेरी जिम्मेवारी होती तब रोजी एंड कंपनी कोई एंट्री ना करती बैड डेट्स की। समझ रहे हो बात को? अगर वो कमीशन देता तो रोजी एंड कंपनी की टेंशन ही नहीं थी। रोजी एंड कंपनी कहती साहू मेरे को तो तेरे से 176,000 लेने हैं, बस बात खत्म। बैड डेट्स होता है तू बियर कर भाई, चाहे सारे पैसे डूब जाए तू ही बियर कर। यस क्लियर? तो साहू ने कस्टमर से पैसे नहीं लेने, रोजी को पैसे नहीं देने। साहू ने डेटर्स को कम करना है, क्रेडिटर्स को कम करना है। डेटर्स जब कम होते हैं, एसेट जब रिड्यूस होती है तो क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो डेबिट करते हैं। एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, रोजी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। क्लियर? अब कोई मत कह देना एक बार और हो जाए, ठीक है ना? हाँ नहीं जी तो कर रहा है कहीं होगा, लेकिन पता है उनको मैं क्या कहूंगा। हाँ जी, रोजी एंड कंपनी डेबिट, यानी आपके क्रेडिटर कम हो गए। नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइंड 100 शूज टू एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग 1500 ईच, इनवॉइस्ड एट ₹2000 ईच। इनवॉइस्ड, इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट कितनी? यस 1500, और लोडिंग कितनी? 500, और इनवॉइस प्राइस कितना? 2000, ठीक है जी। माल था कितने का? 1500 का, और भेजा कितने के हिसाब से? 2000 के हिसाब से, ठीक है जी। चलिए, द कंसाइनर पेड फ्रेट 10,000 एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1500, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए जी 11,500। हेलो, ड्यूरिंग ट्रांजिट 10 शूज वर टोटली डैमेज्ड,
क्या हो गया? अबनॉर्मल लॉस. एडिडास कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग शूज. रिमेनिंग कितने भेजे, कितने थे 100, उसमें से गए कितने 10, तो बाकी कितने आ गए 90, एंड पेड 1530 फॉर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. ऑक्ट्रॉय होता है टोल टैक्स, हिंदी में इसको कहते हैं चुंगी. हाँ, आप कहीं लिखा हुआ देखेंगे चुंगी नाका नंबर 4 ऐसे, तो टोल बूथ होते हैं एक्चुअली. अभी जिनको टोल नाम दिया गया, पुराने जमाने में ये होता था कि आप रोड पे जा रहे हैं और कोई किसी बंदे ने रस्सी खींच के लठड़ा दिया आपके आगे, चलो जी, और आपका ट्रक रुक गया, गाड़ी रुक गई वहाँ, फिर वो कहते हैं जी आप वहाँ जाकर ये रसीद कटाओ फिर आगे जाने दें, उसे ऑक्ट्रॉय बोलते हैं. किसी एक्सपीरियंस रहा है इस तरह का? पुराने जो टोल बूथ हैं वो इस तरह के होते थे, तो उसको चुंगी बोलते थे. अब ये टोल टैक्स वगैरह बोलने लगे, तो कोई खास बात नहीं है. कुल मिला के बात एक्सपेंसिस कौन सा है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, पहुंचा नहीं है माल, रस्ते में है, उसका टैक्स लगा है. ठीक. एडिडास कंपनी सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू नाइक स्पोर्ट्स कंपनी फॉर 50,000 एज एडवांस. कोई इशू नहीं, एडवांस एडवांस मिलने की एंट्री कर देंगे. एंड लेटर ऑन सेंट ऑन अकाउंट सेल शोविंग 80 शूज हैड बीन सोल्ड एट द रेट ऑफ 2200 ईच. कहता है जी 80 जूते 2200 के हिसाब से बेच दिए गए. अब बताओ 90 में से 80 बेच दिए तो स्टॉक कितना बच गया, 10 का स्टॉक बच गया. एक्सपेंसिज इनकर्ड बाय एडिडास कंपनी ऑन गोडाउन रेंट, ये कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स. एडिडास कंपनी इज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन आएगा यहाँ, 5% ऑन इनवाइस प्राइस एंड यानी प्लस 25% ऑफ एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवाइस प्राइस. अभी पिछले से तो संभले ही नहीं थे, ये और आ गया. ये कमीशन निकालने का साधारण सा तरीका बता रखा, और कुछ नहीं. ठीक है, आगे देखिए. इंश्योरेंस क्लेम कितने में सेटल हुआ, 14,000 में. प्रिपेयर कंसाइनमेंट कंसाइनी एंड रिलेटेड वर्किंग नोट्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द नाइक स्पोर्ट्स कंपनी. ठीक है जी, करें शुरू. चलो, यस, क्वेश्चन नंबर PQ4 सॉल्यूशन. बुक्स ऑफ नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी. सर. हाँ बोल दो एक बार. सर ये क्वेश्चन वैसे ही लिया हुआ है नाम वगैरह या रियल भी है, क्योंकि नाइक एडिडास के जूते को बेचेगा. हाँ ऐसे ही दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है कि आप एग्जाम के अंदर यही सोचते रहो और बाकी बच्चे पास हो जाएं. यस, कॉस्ट कितनी है, कितने जूते भाई, 100 और 1500 के हिसाब से, 100 इंटू रुपीज 1500 कितने हो गए, 1,50,000 और प्लस लोडिंग, 100 इंटू रुपीज 200 रुपये का किया है ना, तो ये 50,000 हो गया जी, और 2,00,000. एक शू पे कितनी अमाउंट इंक्रीज कर दी, 500. यस yes, इसको मैं यहाँ राइट ऑफ कर दूं, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट.
इसको लास्ट में करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए साथ साथ करते जा रहा हूं। मैंने कहा ना कि अकाउंट जब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए लास्ट ही है, तो हम लास्ट में कर रहे हैं। लो जी, आपको पता है ये 2 लाख रुपए कॉस्ट बन गई है, अब इसका कोई झगड़ा नहीं बचा है ना। यस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने पे किए? 11,500। है ना? हाँ जी, 11,500। अब बताओ, लॉस रस्ते में हो रहा है या गोडाउन में हो रहा है? रस्ते में हो रहा है ना। तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है अगर मैं अभी अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल लूँ तो? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। तो ठीक है बॉस, मैं ना यहाँ लिख रहा हूँ, अबनॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री क्या होती है? अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और क्या मुझे अबनॉर्मल लॉस निकालना आता है? बताओ, टेबल बनाऊं? वैसे पता लग जाएगा यार, क्यों? ये बताओ, अच्छा एक बात बताइए, अबनॉर्मल लॉस क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी को इनवॉइस प्राइस पे दूं बिल बना के? किस पे देना पड़ेगा? एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। अच्छा सुनो जरा, एक मिनट, लिखना बंद करो भाई, एक बार लिखना बंद करो। 1,50,000 प्लस 11,500 100 जूतों की कॉस्ट है तो 10 की कितनी होगी? निकल गया यार, टेबल का इंतजार करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट एक्सपेंस तो इंक्लूड होता ही है ना, प्रोपोर्शनेट अब नॉर्मल लॉस। सुनो जी, मैं एक बार इसकी टेबल बना देता हूं। 16,000 किसने बोला डायरेक्ट एक्सपेंस एंड क्यों किए? शाबाश, हाँ क्यों करते हैं? अरे जो कंसाइनर ने किए वो तो होंगे, क्या समझ बैठे? ये देखो, माल की कॉस्ट कितनी है? 150, रस्ते का भाड़ा 11,500, कितने चले थे? 100, और खराब कितने हो गए? 10। तो ये बताओ, इन 10 पे ये कॉस्ट आई है कि नहीं आई, और ये कॉस्ट आई है कि नहीं आई? तो सबका ही लेंगे ये तो। हाँ, आगे जो यहाँ जो डायरेक्ट एक्सपेंस हो ना, वो इन 10 पे नहीं आए, वो नहीं लेंगे, कंसाइनी ने किए। हाँ, गोडाउन में नुकसान होता तो हम ये भी लेते और ये भी लेते, यही बात है ना। हेलो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन जब आए गए यहाँ मैदान में तो बना देते हैं वर्किंग नोट्स। आपसे जो अकाउंट्स पूछे गए उतना स्पेस छोड़कर वर्किंग नोट्स बना दीजिए आप। यस, वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक। वाह जी वाह, देखो क्वांटिटी कॉस्ट, अरे सुन रहे हो, क्वांटिटी कॉस्ट लोडिंग, और पता है क्या, इनवॉइस प्राइस। मानते होंगे टेबल थोड़ी बड़ी नहीं होगी यार? होगी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, चीजें कितनी होगी? कॉस्ट लोडिंग और इनवॉइस प्राइस, और क्वांटिटी तो है ही,
तो हर एक चीज़ का अंदर की जानकारी होनी चाहिए ना कि किसकी कॉस्ट कितनी है, किस पर लोडिंग कितनी है, किसका इनवॉइस प्राइस कितना है। मुझे ये बताओ गुड सेंट कितना है, 100 शूज एट द रेट ऑफ 1500, 150, लोडिंग कितनी 50,000 और इनवॉइस कितना 2 लाख। यस, डायरेक्ट एक्सपेंस जो कंसाइनर ने पे किए, स्टॉप राइटिंग, हल्का सा ट्विस्ट है और कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना जरा। कंसाइनर ने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए, क्या क्वांटिटी में लिखूं? क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है। कितने पे किए तो कॉस्ट में लिखूं? कॉस्ट इंक्रीज हुई या नहीं हुई? हुई। लोडिंग भी इंक्रीज हो गई क्या? अरे नहीं यार, नहीं इंक्रीज हुई। ओवरऑल इनवॉइस प्राइस तो इंक्रीज हुआ ही होगा, ठीक है ना? सुनो, देखो हुआ क्या, 100 आइटम जिनकी कॉस्ट 161,500 है और जिनका इनवाइस प्राइस 211,500 है, तो ऑटोमेटिकली लोडिंग कितनी रही? अरे लोडिंग तो 50 ही रहेगी हर हालत में। तो अगर मैं इसको 211,500 नहीं बनाऊंगा तो ये 50,000 थोड़ी आएगा फिर। तो बताओ मुझे, खर्चे लोडिंग में ऐड करने चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ शाबाश। क्या मैं यहां पर 200,000 रुपये लिख दूं? नहीं ना, 211,500 लिखना पड़ेगा ना। क्यों? कॉस्ट प्राइस और इनवाइस प्राइस का डिफरेंस ही तो क्या होगा, और वो इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा, मैं अपने दिमाग से, यानी कंसाइनर अपने आप से कहेगा कि मेरे माल की कॉस्ट थी कितनी, 161,500, और मैंने उसको बता कितने का दिया, 211,500, तो मैंने उसको 50,000 रुपये से बेवकूफ़ बना दिया। ओवरऑल इन टोटल तो 50,000 से ही पागल बनाया ना मैंने उसको, है ना? और अगर मैंने यहां 2 लिख दिया तो फिर मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। मैं बेवकूफ बनाना चाहता था 50,000 से, लेकिन पैसे तो कम हो जाएंगे फिर। तो लोडिंग तो सेम रहनी चाहिए ना आपकी। माल कितने का है? 1.5 लाख का। भेजा कितने में? 2 लाख में। तो एक तरह से सामने वाले को मैं कितनी अमाउंट गलत बता रहा हूँ, 50,000। वो 50,000 अमाउंट तो स्टैंड रहनी चाहिए ना। बताओ, हेलो, क्लियर है ना? ठीक है। अब क्या हुआ भाई साहब, अभी भी लिखना नहीं है आपने, लेस अबनॉर्मल लॉस। कितनी आइटम? 10 आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना? 161,500 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, 16,150। और हमने निकाला क्या था? 16,150। टेबल से बनाओ या कुर्सी से बनाओ, आना 16,150 ही है। बात समझ आ रही है ना? हाँ। अब मुझे ये बताओ, इसकी लोडिंग को खत्म करना है कि नहीं करना? तो बता दो, लोडिंग भी बता ही दो। 50,000 लोडिंग जो है वो कितने पर है? तो 10 पे कितनी हो गई? 5,000। तो अब बताओ, जो माल का नुकसान हुआ है उसका इनवाइस प्राइस कितना है? 21। ये यहां से माइनस होगा, 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 तभी तो पता चलेगा जो पहुंचा उसकी कॉस्ट कितनी, उसकी लोडिंग कितनी, उसका इनवॉइस प्राइस कितना है। यस, जब तक सारी चीज माइनस नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि उसके पास जो माल पहुंचा वो वास्तव में कितने का है, उसकी कॉस्ट कितने की, उसकी लोडिंग कितने की, उसका इनवॉइस प्राइस कितने का है। मैं अकाउंट नहीं बना रहा, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। मैं कंसाइनर हूं, आप कंसाइनी हैं, मैं ये चेक कर रहा हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा।
इसने उसने मजा खराब कर दिया, मैं राजी हो रहा था कि मैंने 50,000 रुपये से बेवकूफ बना दिया, लेकिन भाई साहब 5,000 से बेवकूफ नहीं बना वो, उसके पास माल ही नहीं पहुंचा, बेवकूफ कैसे बनेगा वो, मेरे को फोन करेगा भाई साहब 45 से बनाऊं 5 और भेजो एक बार, वो फोन करेगा मेरे पास कि हेलो बेवकूफ बनाना था ना, मैंने कहा हाँ, बोले कितने से, मैंने कहा 50 से, बोले 45 से बनाऊं, फिर मैं कहूँगा ओहो अब नॉर्मल लॉस हो गया, जोड़ ले, हाँ हाँ जोड़ लिया, अब मैं बन गया 50 का, आई एम हैप्पी, ऐसे थोड़ी होगा कोई। आपने बनाने की कोशिश की 50,000 से, लेकिन वो 45,000 से ही बेवकूफ बना अभी तक, है ना। तो ये डिटेल तो पता होनी चाहिए, अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, वहां दिमाग मत चलाना अभी, ठीक है ना, वहां बाद में बात करेंगे। तो यूं बताइए, अब मैं यहां क्या लिखूं, गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, कितनी आइटम 90, कितनी कॉस्ट, कितनी 1,45 350, और लोडिंग कितनी, और ये कितना 1,90 350। लो जी इनका डिफरेंस बताओ, ओके रिपोर्ट, सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है भाई, हेलो पीछे बॉयज, हाँ चलो भाई। अब क्या हुआ, अब ऐसा करते हैं इसको माफ करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसने किए या नहीं किए, कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस किए या नहीं किए, किए कितने किए, हेलो ये देखिए, रिमेनिंग एंड पेड 1,534 ऑक्ट्रॉय, यस 1,530 रुपये खर्च किए, बताओ कॉस्ट में ऐड होंगे या नहीं होंगे, बताओ लोडिंग में ऐड होंगे या नहीं होंगे, लोडिंग में ऐड होंगे, देखो यहां 1,530 ऐड होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे, लोडिंग अकेली रहेगी हमेशा। लोडिंग दो ही स्टेप्स में राइट ऑफ होनी है, एक तो शुरू में टू गुड सेंट बाय गुड सेंट, और बाय स्टॉक टू स्टॉक सस्पेंस, बस बाकी चीजों में लोडिंग का कोई रोल नहीं है। यस यहां ऐड करूं 1530, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अब जो टोटल आया है ये बताइए, ये 90, 800, 880, यस, और लोडिंग 4,500, और ये 19,880, और भाई वेरीफाई करें, बताओ इनका डिफरेंस 45 आ रहा है कि नहीं है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ऐसा करते हैं, हाँ बिल्कुल नोट करते हैं, शाबाश बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा मुझे ये बताइए इसमें से सेल कितने हो गए, 80, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, 10। अब सुनो, अब बताओ मुझे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी हो तो कितनी है, कैसे निकालेंगे, 146,880 डिवाइड बाई 19 into 10, और अगर मुझे इसकी लोडिंग निकालनी हो तो ऐसे निकलेगी 45,000 डिवाइड बाई 19 into 10, और मुझे उसका इनवाइस प्राइस निकालना हो तो 191,880 डिवाइड बाई 19 into 10। यस ये अभी मैंने आपको मैथ पढ़ाया है, आप नोट कर लो, फिर मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। यस यहाँ से शुरू करेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट भी करते रहें साथ में डिस्कस करते रहें, एक दूसरे को समझाते रहें साथ साथ। अब शायद आप समझ भी गए होंगे कि आपके होमवर्क में आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है ना। हाँ लास्ट टाइम मैंने अबनॉर्मल लॉस के चक्कर में तुम्हारी नींदें खराब करी थी, अब इनवाइस प्राइस और अबनॉर्मल लॉस के चक्कर में करूंगा, ठीक है। लास्ट टाइम सुनाओ, लास्ट टाइम कॉस्ट और अबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट, और अब क्या है इनवाइस प्राइस और अबनॉर्मल लॉस एट इनवाइस प्राइस, लेकिन ले मैं कॉस्ट पे रहा हूं, नोट करें शाबाश, बातें भी कर सकते हैं साथ में, समझा सकते हैं एक दूसरे को।
अच्छा ये निशाने हैं ना, एग्जाम में मत मार देना, ये लिखा फिर काटा फिर ये एरो इधर ये इधर कहीं सारा पेपर करके और उसके ओहो ये तीर मारने तो रह ही गए, ठीक है ना, ये सिर्फ आपके और मेरे लिए हैं, एग्ज़ाम के लिए नहीं है। छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं अच्छा मैं तो वो भी कराया, वो एक वो कोई था ना आपकी जो 8-9 तक गाइड्स लगती हैं जो उसके साथ हिंदी इंग्लिश के साथ, तो वो 12 के बच्चा रो रहा, बोले क्या हो गया, बोले नकल लेके गया था, बोले आया नहीं, बोले नहीं आया सारा, तो फिर बोला मैं साथ में वो निशान नहीं छपा होता ऐसे, वो भी छापाया, वो इम्पोर्टेंट का होता है कुछ, ये MBD गाइड्स बिंद्रा गाइड्स कुछ इस तरह गाइड्स आती हैं उनके अंदर इम्पोर्टेंट क्या गया ऐसे निशान लगा होता है ये इम्पोर्टेंट है, तो वो रो रहा कि ये भी छापाया मैं, तो बोला अच्छा ये तो छापना नहीं था, बोले नहीं मतलब इसलिए नहीं रो रहा कि छापना नहीं था, ये थोड़ा गलत छप गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो बताने पड़े भाई ये कहीं ये करा हुआ। यस आई थिंक डन, यस। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यस, कॉस्ट प्राइस ₹146,880 डिवाइड बाय 80 × 10। हाँ 90। अच्छा लोडिंग इस पे कितनी, यानी इसे बोलते हैं हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये कितना होगा 45,000 डिवाइड बाय 90 × 10, यस। और इनवाइस प्राइस, इनवाइस प्राइस था कितना 191,880 डिवाइड बाय 90 × 10। मुझे बताइए कॉस्ट कितनी है, कोई एक स्टूडेंट बोलेगा, लोडिंग 5000, ये देखो लोडिंग ऐड करके भी यही आ रहा है, इससे भी यही आएगा और इसको ऐड करोगे तो भी यही आएगा, यस हो गया इतना। चलिए जी सुनिए ध्यान से, अब हेलो इधर ध्यान देंगे, अब नॉर्मल लॉस को एट कॉस्ट दिखाने का एक रीजन तो यह है कि हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जो क्लेम करेंगे वो एट कॉस्ट करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये बात भी की जा सकती थी कि हम अपनी बुक्स में क्या किस पर दिखा दें, इनवाइस प्राइस पे। अगर मैं अबनॉर्मल लॉस को इनवाइस प्राइस पे दिखाता हूं, मुझे बताना जरा अबनॉर्मल लॉस इनवाइस प्राइस पे कितना है, एट इनवाइस प्राइस है 21150, तो इसका मतलब इसकी लोडिंग कितनी हो गई 5000, तो लोडिंग यहां आएगी 5000, यहां लोडिंग आएगी 5000। सुनो ध्यान से, असली पॉइंट है, ये एग्जाम में गलती होती है। अब नॉर्मल लॉस को हम इनवाइस प्राइस पे दिखा देते हैं गलती से, कोई दिक्कत भी नहीं है, आपने यहां लिखा बाय अबनॉर्मल लॉस, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां 2 लिख दो, 2 अबनॉर्मल लॉस, यहां 21150 लिखा, आपकी टेबल बता रही है कि अबनॉर्मल लॉस का इनवाइस प्राइस ₹21150 है। और जरा ध्यान देना, कई नालायक बच्चे क्या करेंगे, मैंने टेबल बनाई है ना, ये टेबल यूं समझ लो जबरदस्त है, मस्त वाली टेबलेट है, ठीक है ना, नॉर्मल लॉस अबनॉर्मल लॉस इकट्ठा, पहले नॉर्मल बाद में अबनॉर्मल, पहले अबनॉर्मल बाद में नॉर्मल, इन ट्रांजिट क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी आ जाए, ये टेबल तुम्हारे लिए जबरदस्त काम आने वाली है। और कुछ गधे क्या करेंगे, सारा चैप्टर करके लेके SM में आ जाए, वहां सारी खिचड़ी पका देंगे उस चीज को लेके, ठीक है। जब ऐसा कुछ करने लगे ना मन, तो अपने आप को गधा बोलना कि गधे क्या कर रहा है, तो
समझ गए, क्योंकि ये बेवकूफी एग्जाम के अंदर तुम्हारे से होएगी होएगी। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सारों के अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें आ रही है, और बच्चे सिर्फ इसलिए गलती करके आ रहे हैं कि यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है सॉल्यूशंस के अंदर। पूरे पूरे साल मेहनत करेंगे, क्वेश्चन बैंक नोट्स लास्ट के अंदर स्टडी मटेरियल को माई बाप बना लेंगे, या तो शुरू से वहीं से करो आप, इसको छोड़ दो फिर, न मैं हूं तुम्हारे लिए, न क्वेश्चन बैंक है, न नोटबुक है तुम्हारे लिए, या तो शुरू से स्टडी से करो, ताकि जिससे भी तुम पूछो तो ज्ञान बांटने वाले तो मिले तुम्हें। अब ये बताने वाला मिलेगा नहीं, स्टडी मटेरियल से ज्ञान फैलने वाले मिलेंगे, न उसको आता होगा न तुम्हें आता होगा, दोनों एक जैसे हो गए, आज हम मिलकर इकट्ठे फेल होते हैं अपन भाई भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये टेबल बहुत ज़बरदस्त है, और मैं तुम्हें अगले लेक्चर के अंदर साबित कर दूंगा कि इस टेबल के बिना गुजारा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 90% बच्चे डाइवर्ट होंगे ही होंगे, मेरा फर्ज है बताना, ठीक है। चलिए जी, तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अबनॉर्मल लॉस इनवॉइस प्राइस पर दिखाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्यों? यूं बताइए, इतनी सी एंट्री के अंदर डेबिट साइड में क्या लिखी? कॉस्ट, और ये क्या है? लोडिंग, और ये लोडिंग आपने यहाँ लिख दी, तो बताओ क्वेश्चन किस पे बन गया? कॉस्ट पे बन गया कि नहीं बन गया? सारा क्वेश्चन कॉस्ट पे बन गया ना। अब जब सारा क्वेश्चन कॉस्ट पे बन गया, तो इसका मतलब 150 का माल 11,500 ये टोटल हो गए 161,500 100 की है तो 10 की कितनी आ गया कॉस्ट पे? किस लिए पंगे लेने हैं बताओ आप? अब नॉर्मल लॉस को किस लिए दिखाना चाहते हैं इनवॉइस प्राइस पे? कोई जरूरत नहीं इनवॉइस प्राइस पे दिखाने की। इंश्योरेंस कंपनी को आपको एट कॉस्ट दिखाना है। अगर आप यहां क्रेडिट में इनवॉइस प्राइस दिखा देंगे तो डेबिट में लोडिंग दिखानी पड़ेगी। लॉजिक कोई है नहीं, कोई अनपढ़ बोलेगा तुम्हें। आप एक बार कंसाइनमेंट में क्रेडिट में बाय अबनॉर्मल लॉस एट इनवॉइस प्राइस, फिर डेबिट में लिखते हैं टू अबनॉर्मल लॉस लोडिंग अनलोडेड, बेवकूफ बताएगा तुम्हें, अनपढ़ बताएगा तुम्हें। इसीलिए अबनॉर्मल लॉस शुड ऑलवेज शोन एट कॉस्ट इन कंसाइनमेंट अकाउंट। अबनॉर्मल लॉस को हमेशा किस पर दिखाना है? कॉस्ट पे। इंश्योरेंस कंपनी के सामने भी कॉस्ट प्रेजेंट करनी है, और हमारे क्वेश्चन में भी अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आना है? कॉस्ट। तो फिर क्यों हम इनवॉइस प्राइस के चक्कर में पड़े? हाँ, टेबल बनाते वक्त सारी चीजें लेकर चलो, क्योंकि फाइनली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में गलती हो जाती है। तो वहां मैंने लिया है, वहां देखो आप 150 किया है मैंने, ये रहा, इससे आगे था क्या? हाँ ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये किया है मैंने, ये देखो, गुड सेंट 150, 50, 2 lakhs डायरेक्ट एक्सपेंस 161,500 ये, और इनवाइस प्राइस ये, उसमें से अब नॉर्मल लॉस माइनस किया, जिसकी कॉस्ट ये लोडिंग ये इनवाइस प्राइस ये, ताकि उसने जो माल रिसीव किया है ना उसकी कॉस्ट सही आ जाए, उसकी लोडिंग सही आ जाए, उसका इनवाइस प्राइस सही आ जाए, और फिर उसके बाद फिर उसने एक्सपेंस पे किए वो आ गए, उसके बाद टोटल उसके यहाँ कितने का माल पड़ा? टोटल उसके यहाँ पड़ा जी 146,880 कॉस्ट, ये लोडिंग और ये इनवाइस प्राइस, क्योंकि मुझे स्टॉक का, अब मुझे ये बताओ स्टॉक को हम किस पे दिखाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में? इनवाइस प्राइस पे, क्लोजिंग स्टॉक। अरे ध्यान नहीं है, 10 का 11 में भेजा था तो क्रेडिट में 11 दिखाए थे, फिर डेबिट में स्टॉक रिजर्व दिखाया था। क्लोजिंग स्टॉक को किस पर शो करेंगे? इनवाइस प्राइस पे, और फिर ये डेबिट के अंदर हम क्या दिखा देंगे? स्टॉक रिजर्व। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 16,320। आई बात में समझ? बड़े बढ़िया हो तुम, बात में समझ भी आ जाती है। हाँ जी, मुझे ये बताइए, ठीक है, ये काम हमें नहीं करना, इसको आप लिख कर और इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब नॉर्मल लॉस किस पर दिखाना है? एट कॉस्ट। यस, उसका नाम क्या है भाई? ये लॉस हो गए, एडिडास कंपनी ने लिया और 1530 खर्च किए, लो जी, टू एडिडास एंड कंपनी 1530, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस? राइट, ये डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए,
इज डन। फिर क्या हुआ, उसने एडवांस भेजा, ये तो उसके अकाउंट में आ जाएगा लेटर ऑन सेंड ऑन। 80 शूज हैड बीन सोल्ड 2200 ईच बाय एडिडास एंड कंपनी। सेल है 80 एट द रेट ऑफ रुपीज 2200 ईच, कितने बन गए जी 1,76,000। ये लो जी, ये सेल हो गई। एट्टी शूज एट द रेट ऑफ 2200 ईच। डन। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंस इनकर्ड बाय एडिडास ऑन गोडाउन रेंट 2000 टू एडिडास एंड कंपनी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना, हेलो 2000, ये हो गया। एक आपको पता है कमीशन देना हमें एडिडास एंड कंपनी, उस वर्किंग नोट का नाम रखा था क्या हमने कुछ, तो वर्किंग नोट 2 हम दिखा रहे हैं आपको। कमीशन की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, खैर ज्यादा नहीं है, उस तरह ही कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर। ये वर्किंग नोट 1, इसका नाम रख दो वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, सुनो भाई क्या कहता है, एडिडास कंपनी इज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। ये बताओ शूज, नंबर ऑफ शूज सोल्ड कितने बेचे हैं 80, 80 शूज का इनवॉइस प्राइस कितना है, 80 शूज और एक कितने का है, अरे 2000 रुपये का, नाइकी की कंपनी की बेचती कर, 1,60,000 का, अरे इनवॉइस प्राइस तो यही होगा, और सेल्स प्राइस कितना है 80 शूज कितने के हिसाब से बेचे 2200 के हिसाब से, तो 1,76,000। एक बार स्टॉप राइटिंग, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे, देख लो यार बाद में कहोगे ये क्या हो गया। आपने 80 जूते बेचे जिनका इनवॉइस प्राइस तो है 2160 और बेचा कितने में 176, तो सरप्लस ओवर इनवॉइस प्राइस कितना हुआ 16,000। और बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है वो, इतनी बात समझ आ गई क्या, इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस से कितना एक्स्ट्रा है वो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई जो आपका इनवॉइस प्राइस है उस पर तो गिरा 5% ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब इनवॉइस प्राइस पर तो देंगे हम 5% और इस पर कितना देंगे 25% और इन दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। तो कमीशन 1,60,000 का 5% प्लस 16,000 का 25% कितना
कोई बात नहीं, आप एक बार लिखो फिर आ जाएगा, दो मिनट रुको। किसको नहीं आया था समझ, बोलो। एक तो मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं उसे मत देखो, जो बुक में लिखा हुआ है ना उसे देखो। आप सोच रहे हो ये कैसे जादू मंत्र से करें, कमाल है, ठीक है। आप जो बुक के अंदर लैंग्वेज लिखी हुई है ना, आप एक बार उसको थोड़ा गहराई से पढ़ो, फिर जो मैं बोलूंगा वो समझ आएगा। हाँ मैं वो शो कर देता हूं, बिल्कुल। ये देखो, ये कहता है एडिडास कंपनी इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन इनवाइस प्राइस। पहली बात तो यह है कि कमीशन तो उस पर देते होंगे जो बिके हैं, जो नहीं बिके उस पर तो नहीं देते होंगे। कमीशन किस पर देते हो, सेल पे या सारे जितने भेजे उन पे? सेल पे। तो मुझे ये बताओ जो सेल हुई है वो क्वांटिटी कितनी है? 80। जो सेल हुई है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 80 × 1500 = 120। जो सेल हुई है उसका इनवाइस प्राइस कितना था? 80 × 2000 = 160। और जो सेल हुई है उसका सेलिंग प्राइस कितना था? 80 × 2200 = 176। मुझे ये बताओ 80 शूज बेचे कितने में? इस 176 में इनवाइस प्राइस कितना इंक्लूड है? 160। और इनवाइस प्राइस से ऊपर सरप्लस कितना इंक्लूड है? 16000। क्वेश्चन वाला ये कहता है कि 5% तो इनवाइस प्राइस पर देंगे हम, तो दे दो इसका 5%, और 25% ऑफ एनी ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवाइस प्राइस। और आपका सेल प्राइस इनवाइस प्राइस से कितना सरप्लस है? 16। इसका 25% देंगे हम, इन दोनों को मिला के दो 12000। अभी बात सुन, ठीक है। 176 के दो पार्ट करें आप, इनवाइस प्राइस एंड सरप्लस अबव इनवाइस प्राइस। आप इनवाइस प्राइस पे इसे ये पता है कौन सा कमीशन है? ये है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन कहता है मैंने जो बोला है ना जो इनवाइस प्राइस उस पर बेच दे भाई, वो तो 5%, और उससे ऊपर जितने में बेचेगा उस पर 25%। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से जो ऊपर बेचा जाता है उसे हम, उस पर जो कमीशन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं। तो ये ओवरराइडिंग कमीशन है, ठीक है। मैंने आपको 100 रुपए वाली चीज 120 रुपए में भेज दी, 120 में सेल कर दो मैं आपको 5% दूंगा। 120 से ऊपर जितने में बेचोगे उस सरप्लस का 25% और दे दूंगा, ये बोला गया क्वेश्चन में। अब समझ आ गया? हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। जो इनवॉइस प्राइस पे हमने 5% कमीशन दिया है उसमें डिस्काउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड नहीं करेंगे? नहीं, इनवॉइस प्राइस का मतलब जितने का इनवॉइस किया गया है, जितने की बिलिंग की गई है। लास्ट क्वेश्चन में जितने भी कमीशन दिया सब में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने के उसमें वैल्यू बोलते हैं दोस्त, उसको वैल्यू बोलते हैं, उसको इनवॉइस प्राइस नहीं बोलते। हाँ, जब आप खर्चे ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू कहलाती है, अगर वो वैल्यू बोलता ना तो हम सारा ऐड करके देते। इनवाइस प्राइस मतलब जितने की इनवाइसिंग हुई है, जितने की बिलिंग हुई है, जितने का परफॉर्मा इनवाइस है। डन, ओके। चलो अब मैं आ रहा हूं इस चीज के ऊपर। कमीशन कितना हो गया बॉस? 12000। और बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, वर्किंग नोट 1, स्टॉक कितना भाई? अच्छा ध्यान रखें, इस स्टॉक की कॉस्ट कितनी है
इसकी लोडिंग कितनी है और फिर इसका इनवाइस प्राइस कितना है। कॉस्ट है 16,320, लोडिंग है 5,000 और 21,350 है। 320 क्या? और इस लोडिंग को मैं यहां लिख देता हूं टू स्ट्रोक रिजर्व। डन। नहीं सीधा नहीं दिखाना भाई, सीधा तो फिर उसको हम फोन करेंगे, देखियो अकाउंट सेल में देखियो स्टॉक कितने का। वो बोला जी 21,320। अरे वो तो मैं तेरे मजाक कर रहा था तेरे साथ, तू तो भाई है अपना, ये 16,320 का है भाई, ये क्या है? और झूठ बोला था यार, वो माल भेजा था ना उसमें 50,000 फालतू थे, तो अब क्यों बता रहा है? बस ऐसी आत्मा जाग गई, बिजनेस में आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। ठीक है, हम भेजेंगे परफॉर्मा इनवाइस पे, इनवाइस पे, वो भेजेगा अकाउंट सेल में इनवाइस पे, अपने खातों में ठीक कर लो लास्ट में। खुद को सच्चाई पता होनी चाहिए, उसको पता नहीं लगने देनी चाहिए। इसलिए हम स्टॉक की वैल्यूएशन जो करेंगे अकाउंट सेल से करेंगे और फिर उसके बाद उसकी लोडिंग अनलोड कर देंगे। यस मुझे बताइए क्या कुछ लिखना रह गया? हाँ हाँ जी, इंश्योरेंस क्लेम तो अबनॉर्मल लॉस में आएगा ना जी, अभी मैं अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना दूंगा, उसमें क्लेम क्रेडिट में आ जाएगा, बाकी पी एंड एल में चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक कंसाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, ये वाला कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ जी, प्रॉफिट हो रहा है, टू पी एंड एल अकाउंट 31,440 बता रहे हैं, प्लीज चेक 263,470 है क्या टोटल? सुनिए ध्यान से, अरे 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 हाँ, स्टॉक रिजर्व दिखा दिया था ना, अब आपने अबनॉर्मल लॉस अकाउंट के साथ पंगे ले लिए तो आपको अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। टू कंसाइनमेंट 16,150 बाय इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, सेटल्ड हुआ है तो बाय इंश्योरेंस कंपनी आएगा, सेटल हुआ है ना, पे नहीं किया ना, कितना है 14,000 और बाकी हो गया लॉस 2,150 बाय पी एंड एल अकाउंट। ये एक के साथ एक फ्री है, ये बताना ही बताना है आपको। हाँ ज़्यादा करे तो वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको ये इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री ज़रूर दिखानी है। क्या नाम है उसका कंसाइनी का, एडिडास एंड कंपनी, जो पैसे लेने हैं वो, हेलो डेबिट में, किस चीज़ के पैसे लेने हैं भाई? सेल कितने की है? 1,76,000। देने क्या क्या हैं? यस, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस, कितने हैं डायरेक्ट एक्सपेंस? 1,530। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है क्या? 2,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन भी है क्या? 12,000। एडवांस भी मिला था कितना? एडवांस नहीं है क्या क्वेश्चन में? 50,000 एडवांस बाय बैंक,
वैसे ऊपर लिख देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन हम डेट के हिसाब से चल नहीं रहे, तो कहीं भी लिख दो बेशक। हाँ जी, देखो जरा होगी क्या सेटिंग। फाइनल अमाउंट बताई जाए 110,470 बाय बैंक। अच्छा आप लोग है ना मार्क कर लेना कि क्लास में मैंने अपनी तरफ से कौन से क्वेश्चन पूरे करवा दिए, तो वो आपने तो किया ही नहीं, ठीक है। पूरा इंडिया इसी गलतफहमी में है कि टीचर से जो नोट कर लिया ना वो हमारा हो गया, और इसी वजह से पिछले 40 50 60 जितने साल हुए हैं आईसीआई को बने हुए, रिजल्ट एक जैसा ही है, चाहे टीचर कितने धुआंधार आ गए हों। उसका कारण सिर्फ एक है कि टीचर ताता थैया करता है, बच्चे भी उसके साथ साथ नकल करके देख लेते हैं, अकेले में करके नहीं देखते कि ताता थैया आया कि नहीं। जो क्वेश्चन मैंने किए हैं वो आपने कॉपी में चेपे हैं, आप सीधे एग्जाम में करके देखोगे, मैं लिख कर दे रहा हूँ, नहीं निकलेंगे और 10% रिजल्ट के बीच में आओगे। तो कोई गलतफहमी में नहीं रखना चाहता मैं, जो तुम ट्राई करके आते हो वो तो ठीक है, तुम सॉल्व करते हो, उसमें गलतियाँ होती हो पता भी चल जाएगी, लेकिन जो मैं क्लास के अंदर पूरे, अब ये क्वेश्चन है बस यही मान के चलना एग्जाम में करना पड़ गया तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे इसी गलतफहमी का शिकार है कि टीचर ने करवा दिया तो हो गया, नहीं होगा, ठीक। इनको करके देखना है क्वेश्चंस को अपनी तरफ से, जब टेस्ट हो तब करके देखना, हर क्वेश्चन को अपने हाथ से करके देखना है। यस आई थिंक डन, द क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। यस कृपया शोर ना मचाएं, अभी आप सबके समक्ष ये बालिका एक नृत्य प्रस्तुत करेंगी। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्धा पाले, चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांदर तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो, बड़ी सॉलिड मस्त।